दोस्त बनाने का शौक है, घूमने का शौक है, बस झूठ बोलने का शौक नहीं है। इसलिए तो डायरेक्ट दिल से बोलने आ रही है, मिले जब हम तुम की गुंजन सनाया ईरानी। सनाया आप बताइए कि मिले जब हम तुम में तो आपने बहुत ही स्वीट एंड यू नो बहुत ही क्यूट सा कैरेक्टर प्ले किया है, क्या वही कैरेक्टर आप यहाँ पर करेंगे या फिर आप भी तीखे तीखे वाह राज इन सब पे चलाने वाली? वैसे सच में बहुत मीठी हूँ तो मैं मीठे जवाब ही दूंगी। और अगर समझो किसी ने तीखे वार किए तो वेट एंड वॉच। बोलने वाली है, I mean, तीखे तीखे वार करने वाले हैं। ओके, डायरेक्ट दिल से बोलने वाली है, राइट राइट। और एक दूसरे को रैंक करने वाली है 8 से लेकर 1 तक। और आप सबको बता देता हूँ कि शो पर नंबर 1 आना अच्छी बात नहीं है। परफेक्ट। मीठी चूरी नंबर 1 में हंसी होगी, मजाक होगा, और इसी हंसी मजाक के बीच होंगे तीखे तीखे वार जो आप सब करेंगी एक दूसरे पर। मीठी चूरी नंबर 1 एक छोटा सा कंपटीशन है आप सबके बीच, यानी यहाँ जज भी आप हैं और कंटेस्टेंट्स भी आप ही हैं। हम आपसे पूछेंगे एक खट्टा तीखा मीठा सवाल जिसके हिसाब से आप अपने आप को और यहाँ बैठी अपनी सहेलियों को रैंक करेंगी। अब नंबर 8 पर वो होंगी जो हमारे सवाल के जवाब से थोड़ा दूर है, और नंबर 1 पर वो होंगी जो उस जवाब के एकदम करीब। Well, इस रैंकिंग से हमें ये पता चलेगा कि यहाँ कौन किसके बारे में क्या सोचता है, मतलब जो आप अपने बारे में सोचती हैं, शायद वो आपकी सहेली आपके बारे में नहीं सोचती। आप जब से सहेली सहेली बोल रहे ना यहाँ पे मुझे सहेली वैसे मुझे सखी ये सहेली है, ये तो मेरी बहन है। सखी सखी तुम कहाँ हो सखी? तो गर्ल्स आर यू रेडी फॉर रैंकिंग? अरे अरे या अरे जय इतनी जल्दी नहीं, ये अपने आप को रैंक करे उससे पहले हम भी इनके साथ कुछ करना चाहते हैं। तेरे करने से पहले ये 8 तुझे कुछ कर लेंगे। अरे 8 ने कर दिया है घायल देख कर, अब कुछ नहीं बचा। तो गर्ल्स हमने आपको कहा था कि हमें अपनी बॉडी के उस हिस्से की एक फोटो दे जो आपके हिसाब से सबसे बेस्ट है। आज तो तू बड़ा खुश हुआ होगा। राइट। और इन्हीं फोटो को हमने रैंक किया है, रैंक 8 पर हमने रखा है। Can you all guess? Rashmi, क्या लगता है आपको? रश्मि? No, 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 it's not Rashmi. It's Rashmi. Rashmi, Rashmi. Rashmi. It's Rashmi. Hey, Diane, Diane. Blood of the vampire. चलिए देखते हैं कि आपका जो गैस है वो सही है या नहीं। तुमने कॉपी किया, मैं नंबर 5 पे हूँ। रक्षण ओहो मैंने ब्राउन लेंसेस क्यों नहीं लगाए? सनाया ने लगता है बड़ी टांग दी होगी इन्हें रागिनी को, जो बड़े कॉन्फिडेंस से कह रही कि ये सनाया की है, ये सनाया की है। रागिनी और मैं वैनिटी वैंस शेयर करते थे तो हम ऐसे सोते थे, तो मेरे टांग हमेशा रागिनी ऐसे सोते थे। सनाया यू आर पुटिंग योर फुट डीपर इन योर माउथ, सो जस्ट लेट्स लुक एट योर फीट इंस्टेड। हर फुट वाज इन माय माउथ। यार तुम सच में बहुत चालू लड़की हो, तुम्हारा नाम हर लड़की के साथ लिंक हो जाता है। अब मैं क्या करूं, माँ मैं बदनाम हो चुकी हूँ। चलिए आप ये देखते हैं कि ये टांगे किसकी है। हमने ऐसी थोड़ी ना शेयर किया। अरे टांगे देख के लड़की पहचान लेती है। देख के तुम्हें भी पहचान लिया था रक्षा। तुम मुझे तो पहचानोगी, मेरी आंखों में आंखें डाल के बैठी जो रहती हो। इमेजिन जब हमने इन 8 में से किसी एक को चुना,
ये भी तो हो सकता है कि हमारी ऑटो गेस्ट किसी और कोई नंबर वन पर रखती। लेकिन हम जो अपने बारे में सोचते हैं और लोग जो हमारे बारे में सोचते हैं कभी कभी अलग भी हो सकता है। ऑफ कोर्स। या। और अगर आपकी सोच, आपकी दी गई ऑटो रैंकिंग्स और हमारे सर्वे की रैंकिंग्स एक जैसी होगी तो आपको मिलेगा हमारे तरफ से पूरे 5 लाख रुपए। तो बताइए कि आप में से किस किसने होटल में जाकर वहां की चीजें उठाई है, चोरी की है? साबुन चुराया था बचपन में। मैंने भी साबुन चुराया बचपन में। अगर मुझे कुछ अच्छा शैम्पू अच्छा लगा या बबल बाथ या कुछ अच्छा लगा, आज तक लेती हूँ। आज तक या मैं बॉटल के लिए भी स्पेसिफिकली लेती हूँ। और फिर जब मैं नया वो लैंप शेड तुम्हारे घर में, वो कहाँ से आया? क्या एक बहुत खूबसूरत लैंप शेड तुम्हारे घर में, कहाँ से आया? क्या बात कर रही हो? अच्छा, वो ब्लडी टीवी बाजार से आया। चोर बाजार। जो मैं होटल से लेके चोर बाजार में बेचती हूँ। कि आज का सवाल क्या है? अरे यार, आपका आज का सवाल है कि यहाँ मौजूद लड़कियों में से कौन आपका बॉयफ्रेंड चुरा सकता है? यानी कि हु अमंग दीज वुमेन is most likely to steal your boyfriend. अब उन्हें अपने आप को और अपने साथ बैठी सहेलियों को रैंक करना है, रैंक 8 से लेकर रैंक 1 तक। और इस सवाल के हिसाब से रैंक 8 लाने का मतलब है कि ये आपके बॉयफ्रेंड को नहीं चुराएगी, और रैंक 1 का मतलब ये है कि आपका बॉयफ्रेंड ये जरूर चुराएगी। यही सवाल हमने 100 मर्दों से भी पूछा है जिनकी रैंकिंग्स हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। हम पता करने वाले हैं कि वो चोर कौन है जो किसी का बॉयफ्रेंड चुरा सकती है, और यही पता करने के लिए हम बुलाएंगे आप ऐसे किसी एक को यहाँ, जो अपनी रैंकिंग शेयर करेंगे कि आखिर उन्होंने अपने आप को कहाँ रखा है और बाकी की सहेलियों को किस रैंक पे रखा है। तो वो चोरनी, टोटल शेरनी, सबकी हालत टाइट करने वाली लड़की है, इट्स मोना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मोना, हाँ जी, आपने अपने आप को किस रैंक पे रखा है? देखना पड़ेगा। आई डू नॉट रिमेम्बर, बहुत सारी लिस्ट लिखी थी मैंने। मैं हूँ नंबर 5। नंबर, वेल आपके लिस्ट पे नंबर 5 पर कौन है? उर्वशी ढोलकिया। उर्वशी मोना के लिस्ट में। देखते हैं कि मोना ने नंबर 8 पर किसे रखा? मैंने नंबर 8 पर रखा है रश्मि को। नंबर 8 पर किसे रखा आपने? खुद को। खुद को रखा है, बोल। ओह माय गॉड। क्योंकि मैं किसी का सुहाग नहीं उजाड़ सकती। सुहाग साल से आ गया। मैं किसी का सुहाग नहीं छीन सकती, मुझ में बहुत चरित्र है, मैं बहुत ही चरित्रवान लड़की हूँ। डायरेक्ट दिल से, आपको कोई बॉयफ्रेंड है? सना ने मुझे तस्वीर भी दिखाई। आपका कोई बॉयफ्रेंड है? हाँ सना, आपका कोई बॉयफ्रेंड है? क्या मैं उसे देख सकती हूँ? देख सकती है उसे? देख आपको, आपको देखना है। आपके शो में तो मोहित, राइट, वो आपका बॉयफ्रेंड है? हाँ। राइट, हाँ। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ। ओके, मोहित। मोहित कम ऑन यार, मोहित चले भाई, इतना मोहित। अब बताइए करिश्मा की, अगर समझो एग्जाम्पल, जैसे अगर समझो सना का बॉयफ्रेंड मोहित हो। I need a please sir. Get out the bottle. सना क्या? देख सना, देख सना, देख सना, देख सना, देख सना। करिश्मा आप बताइए कि अगर सनाया का बॉयफ्रेंड मोहित हो, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं है ना, जस्ट फ्रेंड्स, जस्ट फ्रेंड्स, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, इट इज गुड फ्रेंड्स, जस्ट फ्रेंड्स। तो करिश्मा
क्या आप यू नो सना से इनका बॉयफ्रेंड चुनाना चाहेगी? देखिए ही इज क्यूट बट हाइट मैच नहीं होती, मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर हाइट पे नहीं होता है तो यू स्टैंडिंग ऑन योर टोज़। व्हाट आर यू स्टैंडिंग ऑन योर टोज़? देखो ये अच्छा से क्या हुआ, ये देखो इस तरफ आ जाइए। ये कैसा है? हो गया। करिश्मा ने जूतों से शुरुआत कर दी है। लेकिन सुनाया देखते हैं मोना ने नंबर 6 पर किसे रखा। नंबर 6 पे है उर्वशी। किसे रखा? नंबर 6 पर मैंने सनाया को रखा है कि अभी कुछ देर पहले जब हम लोग ये रैंकिंग कर रहे थे तो इसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इसने इमीडिएटली पूछा, Who wants to see my boyfriend? Anyone wants to steal my boyfriend? Anyone wants to share my boyfriend? पांच का दो, पांच का दो, पांच का दो, पांच का दो। तो इसने ऐसी बोली लगाई तो मैं सोच में पड़ गई कि भैया हुक्ड है, बुक्ड है, पर फिर भी बॉयफ्रेंड को शेयर करने में इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिसे अपने बॉयफ्रेंड को शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसे किसी और के बॉयफ्रेंड को चुराने में कितनी प्रॉब्लम होगी। 4 नंबर पे रखा है रागिनी को। इतनी अच्छी अच्छी तारीफ करती थी फिर भी 4 पे रखे। फाइनली ये होप थी कि वो नंबर 1 पे आएगी और तुमने उसकी होप्स को चकनाचूर कर दिया। साथ साथ में मेरे देखो भी 3 करिश्मा, सनाया और रक्षंदा। भूमि चलिए देखते हैं कि मोना के लिस्ट में अब नंबर 3 yeah. कौन है? मैंने सनाया को नंबर 3 पे इसलिए रखा है बिकॉज जब एपिसोड शुरू हुआ था तो इसने बोला था गर्ल्स वेट एंड वॉच, तो वेट एंड वॉच करते करते मेरे बॉयफ्रेंड को ले जाएगी। आई विल वेट एंड वॉच। व्हाट हैपेंड मोना? जस्ट वेट एंड वॉच, आई विल बी बैक। आई विल बी बैक। हाँ मैंने लिखा है कि इसकी लेग्स भी बड़ी ग्रेट हैं एंड चालू भी दिखती है और शराब भी पीती है और शराब कैन बी वन ऑफ द एक्सक्यूजेस। शराब के नशे में कुछ भी कर सकती है। शराब कैन बी वन ऑफ द एक्सक्यूजेस टू टेक माय बॉयफ्रेंड अवे। आई एम ड्रंक। छोड़ो मुझे। सॉरी मोना, क्या हुआ? सना ये बताइए कि नंबर 3 पर आपने किसे रखा है? क्या हुआ? एक टांगा दूसरे टांगे को देना। आंसर देने के बाद मुझे बोलना है कि मैंने करिश्मा को क्यों रखा है। वैसे वैसे शी इज रियली सेक्सी तो मुझे लगता है कि उसके सेक्स अपील से शी विल बी एबल टू स्टील इजीली। सनाया स्वीट है, क्यूट है, बबली है, एक बड़े सेक्सी। कहीं ये शैंपेन तो नहीं? ये लोग भी नहीं खेल रहे। थैंक यू रश्मि, सो स्वीट थिंग। नंबर 3 पर है सनाया और अब बचे सिर्फ 2 नाम, करिश्मा और रक्षंदा। फिर सनाया, नॉट अगेन। कि सनाया के लिए मुझे एक नाम याद आया, पता ही पीती चूरी नंबर। ओके मेरी लिस्ट में नंबर 1 है द मोस्ट वांटेड, माय बेस्ट बेस्ट फ्रेंड रक्षंदा खान। रक्षंदा खान है। लेकिन अब आइए पता करते हैं कि 100 मर्द क्या कहते हैं। मैं जीतूंगी 5 लाख। आई नो के प्लीज हमें हमारी गर्लफ्रेंड से चुरा लो। उनके हिसाब से नंबर 8 पर है नेहा। तो गुड लुकिंग है, अच्छी है, उसके पास डिसेंट लुक है, सब कुछ है उसके पास, उसको किसी का बॉयफ्रेंड चुराने की जरूरत नहीं है। और नंबर 7 पे, नंबर 7 पर है सना। यार इसका सही पोटेंशियल
पोटेंशियल किसी ने नहीं पहचाना अलावा हम साथ के। और नंबर सिक्स पर है मोना। और नंबर फाइव पर है और कोई नहीं बल्कि रागिनी। नंबर चार पर है करिश्मा तन्ना। जीते रहो, दोनों हाथों से दे दिए, जीते रहो। करिश्मा बहुत यंग है, सेक्सी है, काफी बोल्ड है। अगर उन्हें सच में कोई अच्छा लगे तो वो कमिटेड है या नहीं क्या फर्क पड़ता है। ओके, और नंबर थ्री पर है रक्षंदा। मेरा नंबर वन रह गया। नंबर वन रह गया। अब बचे हैं गुरु और चेली। चलो आखिर में डांडिया तो होगा ही। हाँ बिल्कुल। नंबर टू पर है उर्वशी। ऑफ कोर्स उर्वशी बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड है, उसको किसी का बॉयफ्रेंड ही क्या, अगर पति पसंद है तो वो भी चुरा लेगी। अरे तू पैदा कर ऐसा आदमी, मैं बोल तो रही हूँ। मैं फिर से बोल रही हूँ, एक आदमी कैसे पैदा कर सकता। तू खुद आ जा अभी, जो भी था वो। और अब जनता के हिसाब से नंबर वन पर वो लड़की जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, जिसके साथ किसी भी लड़की को अपना बॉयफ्रेंड अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, वो दगाबाज धोखेबाज बॉयफ्रेंड चोर लड़की है रश्मि। यूजलेस नहीं हूँ मैं। अब तुम सारी लड़कियां ना मुझसे डरना शुरू कर दो, इनसिक्योरिटी होनी चाहिए। देखो मैं नंबर आठ से सीधा नंबर वन पे पहुंच गई। मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, मैं इतने अच्छे से इंप्रेस नहीं हो रही हूं, मुझे बहुत टाइम लगता है। अब देख लो तुम लड़कियां बच्चे रहो मुझसे। तो चले देखते हैं कि आखिर रश्मि कितनी चालू है हमारे 100 मर्दों के हिसाब से। मुझे लगता है कि रश्मि रियल लाइफ में भी ऐसा करती होगी, क्योंकि मैंने कई सीरियल में देखा है कि वो उसने बॉयफ्रेंड चुराने की कोशिश की है, तो मुझे लगता है। और इसे अलावा उसने मैंने देखा है कि रियलिटी शो में भी वो फ्लर्ट कर रही थी, मुझे लगता है कि रियल लाइफ में भी वैसी होगी। फ्लर्ट कर रही थी। कौन था वो भाई और किसके साथ कर रही थी? एक में कॉमेडी कर रही थी, एक में डांस कर रही थी। अब पता नहीं मुझे, मैंने किसी और से इतनी बातें कभी नहीं की। कॉमेडी भी तो ऐसी होती है, और कहां जा रही है। अच्छा तो बिना हिले डुले कौन सी कॉमेडी कर सकते हैं? कॉमेडी में भी सेंसुअलिटी है। इसका मतलब है कि हमारे 100 लड़के मानते हैं कि इनमें से जो लड़की बॉयफ्रेंड चोर हो सकती है वो है रश्मि। रश्मि रश्मि वेल, हमारे सर्वे की 8 रैंकिंग्स या बैठी किसी भी लड़की की रैंकिंग से नहीं मिलती। सॉरी गर्ल्स, 5 लाख को बाय 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 कहना। लेकिन डोंट बी सैड, पैसे नहीं मिले तो क्या हुआ, टाइटल तो मिल सकता है। मिस मीठी पूरी का टाइटल, और ये जाता है उसको जिसने आज हमें अपनी स्वीट स्वीट सीधी सादी घरेलू टाइप बातें करके बोर कर दिया। सतरंगी नारंगी इधर आओ रश्मि। रश्मि आ जाइए यहाँ पर। अब हम चीनी कम और बातें ज्यादा करेंगे रश्मि के साथ, यानी कि अब हम पूछेंगे 5 सवाल जिसका जवाब हाँ या ना होगा, और इस हाँ या ना का फैसला करेंगी हमारी बाकी मीठी छुरियां। मतलब अगर ये सब मानती हैं कि आपकी हाँ वाकई में हाँ है, तो इनके हाथ में रखा वो जो दिल है वो लाल हो जाएगा, और अगर इन्हें लगता है कि आपने झूठ कहा है तो वो काला हो जाएगा। वेल, आपका पहला सवाल है कि कभी सिर्फ पैसे के लिए किसी को डेट किया? नहीं। झूठी। कभी आपने कोस्टा पर नजर डाली? हाँ। कभी अपने बॉयफ्रेंड को 2 times किया है आपने? नेवर। झूठ। झूठी। आपका चौथा सवाल यह है कि कभी किसी कमिटेड लड़के के साथ फ्लर्ट किया है? हाँ बहुत बार। बात कर रही हूँ। कभी बॉयफ्रेंड होते हुए उसके ना होने का दावा किया है? हाँ।
मीडिया के सामने कई बार सच 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 सच